और सीओसी के इंटरेस्टिंग एपिसोड में। तो ये हमारा रोड टू मैक्स एपिसोड टाउन हॉल 11 का जो अपनी सीरीज है, वो सीरीज में स्टार्ट नहीं कर पाया था बिकॉज काफ़ी कुछ चल रहा था, मतलब काफ़ी और चीज़ें मेरे को बनानी पड़ रही थी, तो मैं मेरा टाउन हॉल मैक्स करता जा रहा था एंड ऐसा कुछ मेरे को टाउन हॉल 11 में देखने को भी नहीं मिला जो आपको देख के इंटरेस्टिंग लगे, तो मैं थोड़ा इस वाली सीरीज को पॉज कर दिया था। बट ये रेगुलर लेने वाली है जब तक हमारा मैक्स नहीं होता। तो अभी हम करने वाले अपने वार्डन को लेवल 12 का, क्योंकि आप मेरी लिग्जर गोल्ड वगैरह देख सकते हो काफ़ी फुल पड़े एंड अभी अपने पास एक बिल्डर फ्री है। तो फाइनली गाइस वी आर अपग्रेडिंग माय ग्रैंड वार्डन। तो ये मांग रहे 75 लाख एलिक्सर। सो गाइज एंड टाइम मांग रहा है 5 days and 12 hours। तो चलिए इसको अपग्रेड पर लगाते हैं एंड गाइज वार्डन इज गोइंग टू लेवल 12। सो बुक पड़ी है तो टाइम अभी अपन बुक करने वाले हैं इसको। सो 3, 2, 1 लेट्स गो गाइज। वार्डन लेवल 12 कर लिया मैंने, ठीक है। एंड मेरा प्रोफाइल अब मैं आपको दिखाता हूँ, वेट अ मिनट। 50 का किंग है, 50 की क्वीन है एंड वार्डन अपन कर चुके हैं 12 का। तो 8 लेवल या 8 लेवल और मेरे को वार्डन को अपग्रेड करना है एंड मेरे हीरोज हो जाएगी टोटली मैक्स आउट टाउन हॉल 11 पर। एंड ऑलरेडी गाइज वी आर इन लेजेंड, पिछले 2 सीजन से हम लेजेंड में। पिछला सीजन मैंने 5558 करा था, अभी 5400 हो चुका है। तो मे बी आई ट्राई टू बीट माई फास्ट रिकॉर्ड, सो ट्राई करते क्या होता है। अभी एक बिल्डर वापस फ्री है जैसा कि आपको दिख रहा है। एंड अगर मेरा यहाँ ट्रेजर चेक कर रहा हूँ तो ट्रेजर में गोल्ड तो यहाँ पर नहीं है। एंड अभी अपन को अपग्रेड करना है अपना सिंगल कैनन एंड एक यहाँ पर ये खाली होने वाला है। सो बिल्डर वो खाली होगा 3-6 ओवर बाद एंड काफ़ी लिक्जर वगैरह मेरे बच जाएंगे तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। एंड गाइस मैं अभी क्या करने वाला हूँ, ये बिल्डर का उपयोग। एंड अभी आप देख सकते हो इवेंट है, इसमें 5 रिंग मिलने वाली है अपन को, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ, एक अटैक करता हूँ एंड गाइस। तो गाइस सॉरी यार, बीच में मेरे को स्ट्रीमिंग मतलब ये वीडियो को पोस्ट करना पड़ा था बिकॉज एक कॉल आ गया था तो उसको अटेंड करना था, सो दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा अपना वीडियो पोस्ट कर लिया। तो अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था 75 यहाँ पर परसेंटेज में कर चुका हूँ, 75% और करनी है एंड मेरे को मिलने वाला है क्या, 5 वॉल्स रिंग। तो अभी मैं ये वाला अटैक करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ मैं 75% अटैक दे दूँ। तो अगर अटैक हो जाता है 75% तो अभी ये भी यूज़ करने वाला हूँ, अगर नहीं होता तो डायरेक्टली अपन अपना बिल्डर यहाँ पर यूज़ करेंगे। बट चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अटैक करता हूँ। तो गाइज जैसा कि आपको पता है आई मीन लेजेंड लीग, लेजेंड लीग में होने वाला है क्लाउडिंग बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड होता है क्लाउडिंग, तो बेसिस मिलते नहीं है। तो जैसे ही बेस मिलता है वैसे अपन अपना वीडियो वापस से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स पॉज द वीडियो। सो गाइज वी आर फाइनली, अपन को बेस मिल गया है जिस पे मैं अटैक करने वाला हूँ। सो गाइज फाइनली टाउन 11 का बेस मिला है मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब मैंने एक भी बार नेक्स्ट नहीं करा, मेरे को लगभग आधा घंटा लगा, देख सकते हो आधा घंटा हो चुका है यहाँ पर टाइम। सो आधे घंटे में हमारे को बेस मिल चुका है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन करेंगे क्वीन वॉक एंड मे बी मैं इस बेस को 3 स्टार करने का पूरा ट्राई करूंगा। तो यहाँ से अपना क्वीन वॉक जा रहा है तो देखते भाई क्वीन वॉक कर लेगा क्लियरिंग। एंड अभी यहाँ से मैं मेरा जो सिर मशीन है वो ड्रॉप करके जो ये इन्फर्नो है इसको मैं डाउन करना चाहता हूँ। तो डबल पिका से एक थोड़ा सा फनलिंग टाइप का मैं क्रिएट करने वाला हूँ एंड बैकग्राउंड में मेरे सारे जो विजार्ड है विजार्ड उनको मैं वर्क करवाऊंगा एंड मैं यहाँ पर वॉल ब्रेकर बचा के रखूंगा फॉर क्वीन। जब क्वीन कहीं जाने वाली होगी जब अपन उसको वॉल ब्रेकर देंगे, एक फ्रीज यहाँ पर मेरे को डालना पड़ेगा गाइस, पीका विल बी सर्वाइव्ड। एंड यहाँ पर थोड़ा सा और क्लियरिंग हो जाए देन अपन यहाँ से वेलकरी ड्रॉप करना शुरू करेंगे। एंड गाइस एक और मैं फ्रीज यहीं यूज करूंगा, बिल्कुल मैं मरने नहीं देना चाहता मेरी स्विच को। एंड ठीक है पॉइजन स्पेल एंड हील एंड रेज इनटू द सेंटर गाइस। सो गाइस वार्डन ड्रॉप करना मैं भूल गया, ग्रैंड वार्डन ड्रॉप करना भूल गया गाइस, इट्स अ प्रॉब्लम। एंड गाइस फाइनली देयर आर टोर्नेडो ट्रैप एंड इस तरफ किंग है। सो किंग की हेल्पिंग के लिए मैं आर्चर डिप्लॉय करने वाला हूँ यहाँ पर एंड यहाँ पर अपना एक हील स्पेल एक रेज स्पेल देयर, हील इधर यूज करा है मैंने एंड मे बी मेरा वेलकरीज बच जाएगा। क्वीन वॉक तो बचा हुआ ही है, इधर से किंग है उस तरफ हीलर्स वगैरह है एंड अभी क्वीन वॉक बचा हुआ है तो क्वीन वॉक 3 कर देगा इस बेस में। इतना तो कुछ बचा नहीं है कि 3 ना हो क्योंकि इस तरफ मेरी वेलकरीज जिंदा है जो इस तरफ को क्लियर कर लेगी। अब जो आखिरी स्कॉर्ड बचा वो एक ही स्कॉर्ड बचा है जो कि ये डबल यहाँ पर जो डबल एक्सबोस है उस वाला है। एंड गाइस जो अपन को करना था मेन अपना काम था कि अपन को यहाँ पर अटैक करना था 75%+ एंड यहाँ पर हमने इजिली 75%+ क्रॉस कर लिया। एंड गाइस ये बेस जब डेंजर हो जाता है जब इसके डबल डबल सिंगल टारगेट इन्फर्नो ओपी होते हैं, बट वैसे अब मेरे को कोई इशू नहीं है क्योंकि अभी वार्डन का एबिलिटी बाकी है एंड वेलकरीज बची हुई है, क्वीन बची हुई है, हीलर्स बची हुई है। सो
We did it, guys. We did it easily 3 star on this base. And right now I'm using my Warden's ability, and then I'm using my Queen's ability. So finally we get a 3 star on this base. And chalo, damn guys. And 3 star jo apan ne kara, and jo apna bonus tha, wo bonus bhi apan ko mil gaya hoga 3 star karne ke karan. And काफी अच्छा ये अटैक था. आपको कैसा लगा? मैंने मेरा ट्राई बेस दिया, एंड आप देख सकते हो यहाँ पर 5 वोल्ड रिंग मिल चुकी है, 4 एक स्टार बोनस यहाँ पर मेरा फिर से एलिक्सर फुल हो चुका है. गाइस मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने एलिक्सर्स पहले कलेक्ट नहीं किए थे, बट अब कोई इशू नहीं है यार, एलिक्सर तो मैं अर्न कर लेने वाला हूँ. ठीक है, सो गाइस फाइनली वी हैव अ 5 वोल्ड रिंग. यू कैन सी दैट देयर गाइस 5 वोल्ड रिंग आ चुकी है. तो इससे मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा लो लेवल का वोल्ड है ना ये वाला, इनको मैं 1-1 लेवल अपग्रेड करूंगा. ठीक है, तो देर आर 1, 2 and 3 एंड 3 वोल्ड रिंग यूज हो गया, एंड 4 and 5 गाइस. तो यहाँ पर मैंने 5 वोल्ड रिंग यूज करा, एंड इनको भी मैं एक एक लेवल अप कर ही लेता हूँ. एंड जो ये आखिरी वाली वोल्ड बची है, इनको भी मैं इनके बराबर लेकर आ जाता हूँ, एंड नहीं तो बाद में तो लानी पड़ने वाली है ही मेरे को. तो मैंने सोचा मैं अभी क्यों ना इसको ले चलूँ इनके बराबर. तो गाइस फाइनली अपन ने अपना थोड़ा बहुत गोल्ड यहाँ पर डाला, एंड गाइज यहाँ पर से मैंने सारी वॉल्स कर लिए लेवल 10 की. एंड जो अब ये सीसी है, मैं ये यहाँ से कलेक्ट करने वाला हूँ, बिकॉज गाइज ऑलरेडी मेरा एक और 4x स्टार बोनस है जो आ चुका है. एंड 4x स्टार बोनस में यहाँ पर टाइम बचा 17 ओवर, तो मेरे को आज मैं एक और बार कंप्लीट करने का है. आज होली थी तो मैंने करा नहीं अटैक्स. तो अपन इस वाली वॉल को भी यहाँ पर थोड़ा गोल्ड को इन्वेस्ट करके लेवल 10 का कर लेते हैं. सो गाइज यहाँ पर काफी अच्छा मेरा वॉल्स मैक्स कर लिया मैंने इस तरफ का. एंड वॉल्स मैक्स करने में बहुत ज्यादा लिग्जर एंड गोल्ड की कॉस्ट आती है, एंड मतलब बहुत हार्ड यहाँ पर हो जाता है. एंड यहाँ पर अभी मेरी इलिक्सर फुल है, सो इलिक्सर से मैं कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे पास वार्डन को अपग्रेड नहीं कर सकता. ऑलरेडी लेजेंड लीग में बैठा हूँ मैं. अगर लेजेंड लीग में वार्डन अपग्रेड करो तो टंटे हो जाते भाई, टंटे मतलब अटैक फेल हो जाएगा. तो इसलिए वार्डन में हीरोज मैंने गाइज जो टाउन हॉल 11 पे जब से आया हूँ मैं, केवल बुक एंड जो हैमर है उनसे मैंने मेरे किंग एंड क्वीन को 50-50 का कराया, एंड वार्डन को 12 तक लेकर आ चुका हूँ. एंड अब आगे भी इसी तरह अपडेट करने वाला हूँ मैं. एंड फाइनली गाइज वी हैव अ 1 जेम बॉक्स, तो रिमूव करते हैं एक जेम बॉक्स को. एंड ये एपिसोड कैसा लग रहा है आपको जरूर से कमेंट करके बताना. एंड मे बी आपको ये थोड़ा लंबा लगेगा एपिसोड, क्योंकि मैंने यहाँ पर अटैक किया है एंड कुछ मैंने अपग्रेड करा है. तो रोड टू मैक्स टी एच 11 में कैसे अपना टाउन हॉल 11 मैक्स कर रहा हूँ, तो आपके सामने ही है. इस तरह से गाइज मैं अपना टाउन हॉल 11 को मैक्स कर रहा हूँ, एंड काफी जल्दी जल्दी कर रहे गाइज. एंड डिफेंसेस में अब कुछ नहीं बाकी है, केवल ये आर्चर टावर, ये विजार्ड टावर, एंड देर आर 1 कैनन, एंड ये एक एक्स बो. तो गाइज यही कुछ बाकी रह गया है. इसके अलावा टोटल एवरीथिंग अपने मैक्स कर लिया है. सो अभी 70 लाख गोल्ड हो चुका है अपने पास. सो वी आर अपग्रेडिंग टू एक्स बो टू नेक्स्ट लेवल गाइज. यहाँ पर मैंने लगा दिया लेवल 4 की हो रही है, एंड ये वाली लेवल 5 की हो चुकी है, सॉरी 5, एंड ये वाली लेवल 4 से 5 पे जा रही है, ये वाली लेवल 4 से 5 पे जा रही है, ये लेवल 4 पे जा रही है. सो इसके बाद ये लास्ट वाली एक्सबो को मेरे को एक टाइम और अपग्रेड करना है, एंड ये भी मेरी मैक्स हो जाएगी. सो कोई इशू नहीं रहेगा, एंड यहाँ पर मेरी सारी की सारी एक्सबोज मैक्स हो जाएगी टाउन हॉल 11 पे. एंड बचे के ज्यादा कुछ नहीं, ये 3 डिफेंसेज एक एक लेवल के, ये वॉल्स कम मेरी बताऊं क्यों है, क्योंकि मैंने 10.5 बेस बनाया था जब मैंने डिफेंसेज परचेज ही नहीं किए थे. फिर मैंने परचेज करा तो मैंने सोचा अब जल्दी जल्दी इनको अपग्रेड कर लेते हैं, वॉल्स वगैरह को अब करना है तो कर लेते हैं यार जल्दी जल्दी. तो इसी तरह से हम हमारा रोड टू मैक्स एपिसोड आगे भी लाएंगे. कैसा लगा, जो भी आपको इससे सीखने को मिला तो बढ़िया है, लाइक करना, शेयर करना. चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके जाना यार, सब्सक्राइब कर बिना तो कोई मत जाना. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो पिक थम्स अप, स्टे फॉर द नेक्स्ट एपिसोड. थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड.